तभी टॉपिंग चीज ये हिला रहे हैं इसको। हाँ, हिलाने से ना ये डबल हो जाती है। अच्छा, हिलाने से डबल हो जाती है, सही है। कितनी देर हिलाना होता है वैसे इसको? बस जितना आपका दिल करे। जितना आपका दिल करे, ठीक है। अच्छा, अभी आप डालेंगे। ये हमारा जो है एवरेज है, हम एक ग्लास जो है चीज़ की इसके अंदर डालेंगे। एक ग्लास चीज़ की डाल लें। बिल्कुल। तो क्या बना रहे हैं आज आप? नाम वालेकुम। आज हमारा बन रहा है पिज़्ज़ा बर्गर। पिज़्ज़ा बर्गर हमारी और शायद पूरे पाकिस्तान में जो है फर्स्ट स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। आज से पहले जो इस टाइप का बर्गर आप लोगों ने बहुत मुश्किलें कहीं खाया हो। पिज़्ज़ा बर्गर हाँ, सुनने में तो यूनिक लग रहा है और हम देखे भी तो नई नई चीज़ें आते हैं हमारे पास। ये क्या बीफ? ये इसके बेस सॉस है। बेस सॉस अभी आप मैं आपको उसको बनाना सिखा रहा हूँ किस तरह से बनता है, ठीक है। ऐसे नहीं आप अपनी शॉप खोल के बैठ जाएं। नहीं, नहीं, आपको एक आइडिया के लिए, एक मार्केटिंग के लिए, हम किस तरह से सफाई से काम कर रहे हैं और क्या हमारा प्रोडक्ट है और कितना फ्लेवरफुल है, ठीक है। डाले डाले ये आपका सॉस है? ये हमारा सॉस है। सीक्रेट है या फिर नॉर्मल सॉस? सीक्रेट तो खैर आजकल पाकिस्तान में, दुनिया में कुछ भी सीक्रेट नहीं होता। सीक्रेट नहीं होता। ये हमारा टोमेटो बेस्ड जो है मैरिनारो सॉस है। मैरिनारो सॉस, जिसको जो आम समझती है मैरिनारो होता क्या, जो रेड सॉस होता है, ठीक है, ठीक है, पिज्जा का। तो ये हमारा बेस्ड सॉस होता है, ठीक है। ये बहुत फ्लेवरफुल होता है। मैं अभी तो नहीं, मैं आपको बाद में टेस्ट करवा रहा हूँ ये। इसके बाद क्या मिला रहे हैं? इसके बाद इसको लगी टॉपिंग चीज की। ये हिला रहे हैं इसको? हाँ, हिलाने से ना ये डबल हो जाती है। हिलाने से डबल हो जाती है, सही है। कितनी देर हिलाना होता है वैसे इसको? बस जितना आपका दिल करे। जितना आपका दिल करे, ठीक है। अच्छा, अभी आप इसको डालेंगे। ये हमारा जो है एवरेज है, हम एक ग्लास जो है चीज़ की इसके अंदर डालेंगे। एक ग्लास चीज़ की डाल लें। बिल्कुल, ज़बरदस्त। जो पूरा इसको फिल कर देगा, पूरा फिल करेगा, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम कर देते हैं साइड पे, ठीक है। ये साइड पे कर रहे हैं। इसके बाद इसको लगाएंगे हम शिमला मिर्च की टॉपिंग। ये क्या? शिमला मिर्च, ग्रीन पेपर, शिमला मिर्च, जो भी आप बोल रहे हो। ग्रीन पेपर, शिमला मिर्च, कैप्सिकम, कैप्सिकम बोल सकते हैं, ठीक है। कैप्सिकम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। और ये क्या? इसके अलावा लगेंगे ब्लैक ऑलिव्स। ये ब्लैक ऑलिव्स हैं जी? ये 100% ब्लैक ऑलिव है, ये ग्रीन ऑलिव ब्लैक नहीं हुए, ठीक है, ठीक है। ब्लैक ऑलिव है जो बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत हेल्दी, हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं और ब्लड के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, और ये क्या? इसके बाद हम लगाते हैं इसके ऊपर पेपरोनी। पेपरोनी, पेपरोनी किससे बनती है? ये चिकन से ही बनती है, इसके अंदर फ्लेवर्स होते हैं। अच्छा, पेपर कॉर्न होते हैं, उसके बाद स्पाइसेस होते हैं। अच्छा, और थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर हो जाता है इसके अंदर। और हम इस कंपनी की यूज़ कर रहे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे अच्छी कंपनी है। हमारे तकरीबन सारे प्रोडक्ट जो है ना इसी तरह के कंपनी से आ रहे होते हैं, ठीक है, जो हलाल सर्टिफिकेट और ISO सर्टिफाइड होते हैं, ठीक है, जिसमें हम खुद भी खा सकते हैं, अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं और अपने जानने वालों को भी खिला सकते हैं, जो बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि हम शायद अगर किसी और शहर चले जाएँ तो हमें पता नहीं होता हम क्या खा रहे हैं, मुर्गी खा रहे हैं, वो सही एक्स वेदर। अब क्या बोलूँगा, इसके बाद क्या करेंगे? अच्छा, अब ये जाएगा सिलेमेंडर के अंदर। सिलेमेंडर के अंदर? ये है सिलेमेंडर। सिलेमेंडर इस मशीन में होता ही है। सिलेंडर बोल रहे इसको? नहीं नहीं, सिलेंडर, सिलेमेंडर, अच्छा, सिलेमेंडर है। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा पीछे हो जाए। बिल्कुल। और इसमें आप आग लगा रहे हैं? बिल्कुल। आग कैसे लगानी होती है इसमें, मतलब क्या टेम्परेचर होता है, क्या करते हैं? अच्छा, इसका टेम्परेचर ना बहुत हाई होता है। टेम्परेचर बहुत हाई होता है, सिर्फ मतलब जो है ना ऊपर से हीट, एक्सट्रीम हीट देने के लिए काम आती है, ठीक है। क्योंकि जैसे शोरमा मशीन होता है ना, ये शोरमा की तरह ही ऊपर से इसको बेक करती है। अच्छा, और इसको कितनी देर रखना है इसके अंदर? एवरेज तकरीबन 4-5 मिनट। 4-5 मिनट भाई, आपका बर्गर कितने टाइम में वैसे रेडी हो जाता है? इसमें लगते हैं 6-8 मिनट। 6-8 मिनट लगते हैं। और वैसे आपके बर्गर की प्राइस क्या है? यार ये अभी फिलहाल जो हमारा 500 के चल रहा है, ठीक है, मगर अभी हमारा जो है डिस्काउंट चल रहा है, तो हमने 400 जो है इसकी प्राइस रखी हुई है। अच्छा, तो मेरे ख्याल में शायद इस वक्त इस तरह के बर्गर और इस क्वालिटी का बर्गर जो है बहुत ही मुश्किल है इस प्राइस में। सही सही। अभी आप जैसे देख रहे हैं, ये ऊपर से आग लगी हुई है और नीचे से ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है आपका ये चीज़। अच्छा, ये लोकेशन बताया मुझे, लोकेशन कहाँ की है? अच्छा, लोकेशन है हमारी पैराडाइज बेकरी। पैराडाइज बेकरी आप थोड़ा सा आगे आएंगे वहाँ पे बिग बाय सुपर मार्केट। बिग बाय सुपर मार्केट, ठीक है। तो हमारी एक ब्रांच जो है ये बिग बाय सुपर मार्केट के बाहर है, ठीक है। हमने डबल कंटेनर पे लगाया है, डबल कंटेनर जो है पाकिस्तान में, आई थिंक वो भी हम अकेले ही होंगे जो। ये आपकी ब्रांच, वैसे आपकी रेस्टोरेंट का नाम क्या है? लामोश। लामोश, ठीक है। गूगल पे वैसे आराम से मिल जाएगा ना? बिल्कुल आराम से, गूगल आराम से ट्रैक कर देंगे, मिल जाएंगे हम आपको, फेसबुक पे मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे, आप जहाँ ढूंढेंगे मिल जाएंगे, मुझे ढूंढने वाला होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इतनी देर हम एक काम करते हैं कि हम जो है बीफ पैटी जो है उसको, बीफ पैटी जी, ये क्या आपने ऑयल डाला है? ऑयल इसके ऊपर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? अब ऑयल को हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं होती ऑयल की, साइड में लगाते हैं इसलिए कि बीफ के अंदर जो ना एक क्रिस्पीनेस और एक क्रस्ट बन जाए। जबरदस्त। ये क्या आपका बीफ है? ये जी। अब इसको क्या करेंगे? इसको अभी आप ओवन में रखेंगे, तवे पे रखेंगे?
अच्छा ये हमारी रिंग है जो डायमीटर के हिसाब से बर्गर के हिसाब से हमारी, इसके अंदर हम बीफ रखेंगे ठीक है, और इसको हमें करना है मतलब शेप देना है इसको, बिल्कुल शेप देना है ठीक है। अभी आप ये शेप दे रहे हैं, शेप दे दिया, जो एक्सेस आ गया हमने उसको उठा लिया ठीक है, एक्सेस हमें नहीं रखना, तो हमें एग्जैक्ट टेस्ट के हिसाब से देनी है। सही है, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसके अंदर हमने डायमीटर जो है टेस्टिंग करके हमने लाया हुआ कि इसके अंदर इतना ही मीट आना चाहिए जितना ही फ्लेवर जो है वो बरकरार, यानी ज़्यादा मीट हो गया तो मीट का फ्लेवर आएगा, चीज़ का फ्लेवर सही दब जाएगा ठीक है, इसको फिर हमें करना है ठीक है। और अब ये आएगा तब ऐसे नहीं, आवाज़ आनी चाहिए, आवाज़ आनी चाहिए तो अब ये कितनी देर तक इसको अभी आप फ्राई करेंगे? अच्छा ये तकरीबन जो है वो डेढ़ मिनट एक साइड से फ्राई होगा, डेढ़ मिनट तकरीबन 3 से 3.5 मिनट जो है इसको लग जाएंगे ठीक है। फिर जब तक हम वीडियो नहीं वीडियो आप ये रोकें, इतनी देर हम अनियन रिंग के साथ ही बना रहे हैं, इसमें ऑयल ड्रेन हो गया थोड़ा टाइम चाहिए होता है ठीक है। तो अनियन रिंग पहले दिखाएं, अनियन रिंग में क्या क्या मिला रहा है, कैसे बनाया भाई? हाँ इसके अंदर बड़े खास किस्म के अनियन होते हैं ठीक है, ठीक है जो मैं आपको बताऊंगा नहीं मैंने कहाँ से लिए थे, सीक्रेट है जी बिल्कुल, ये नहीं बताएंगे आप, इसमें सिर्फ अनियन सीक्रेट है ठीक है, अनियन सीक्रेट है। और ये हमने रख दिया इसको ऑयल, अब ये फ्राई हो रहा है, ये फ्राई हो रहा है ठीक है। अब जब तक हम फिर पॉज कर लेते हैं, जब तक आपकी चीज़ें रेडी होती है उसके बाद दिखाएंगे कि अगला प्रोसेस कैसे होता है। बिल्कुल, ये हमारा बर्गर भी जो है अंदर ये मेल्ट हो रहा है, इसकी चीज़ मेल्ट हो रही है, और यहाँ पे ये हमारा बीफ जो है ये फ्राई हो रहा है, और यहाँ पे साइड पे अनियन रिंग भी रेडी हो रहा है, तो फिर आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। अच्छा अब हमारी पैटी हो गई, इसको क्या करेंगे, पलटेंगे, इसको पलटेंगे, पलट रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, पलटें ये जो क्रश जो है ना ये इसमें फ्लेवर लेकर आता है जबरदस्त, मगर ये क्रश जो है ना ये बहुत जरूरी है इसके अंदर टेस्ट के लिए, टेस्ट के लिए बिल्कुल सर। अच्छा वो हमारी अब क्या क्या चीज़ें रेडी हो रहा है, अनियन भी रेडी हो चुका है, हम इसको भी निकाल लेते हैं, बिल्कुल गोल्डन गोल्डन हो गया, बिल्कुल जबरदस्त हो गया, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होना आपको निकाल ठीक है। अच्छा तो अभी आप और कितनी देर पकाएंगे? तकरीबन 1-1.25 मिनट और पकेगा, 1-1.25 मिनट वो 100% जो कुक हो जाए और यानी रोन आ रहा है, कुकिंग आ रहा है ठीक है। जब तक हम आपको जो है ये बर्गर की शक्ल भी दिखा देते हैं, बिल्कुल मैं आपको थोड़ा सा बाहर निकाल के देता हूँ, रेडी हुआ नहीं है, थोड़ा सा टाइम रह गया अभी, आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ, ये देखिए ओहो ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा ये गोल्डन ब्राउन और हो जाए, फिर आपको टेस्ट स्मेल जो इसकी निकलेगी ना, खुशबू तो बहुत वैसे भी अभी बहुत अच्छी आ रही है, बेहतरीन मजा आ जाएगा, मैं तो खाने के लिए मर रहा हूँ, वो बीफ तो वैसे भी मेरा फेवरेट है भाई, जैसे देख रहे हैं आप बीफ की शक्ल निकल आई है, और उसको लग रहा था जूसी टाइप का हो रहा है, जूस भी बाहर आ रहा है इसका, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है देखने में। अभी क्या करेंगे इसके बाद? अच्छा अब हम सबसे पहले उठाएंगे बन, ठीक है ये बार उठाया आपने, वो हमने हल्का सा जो है वो गोल्डन ब्राउन करा ठीक है, ठीक है वो इसलिए कि अपनी जो साइज़ और अपनी जगह जो है बरकरार रहे रखे, और दूसरी बात ये है कि ये इसके अंदर सॉसेज जो है ना वो एब्जॉर्ब हो, मगर एक हद तक एब्जॉर्ब हो, यानी एक्स्ट्रा जो है सॉसेज जो एब्जॉर्ब ना हो जाए उसके अंदर। अब ये कौन सा सॉस लेंगे साहब? हाँ ये है हमारा सीक्रेट 1000 आइलैंड सॉस, सीक्रेट 1000 आइलैंड सॉस, ये किस चीज़ से बनता है वैसे? ये मैंने काफ़ी भी पहले बहुत सुना, ये बता दिया तो मेरे ख्याल में शायद आप सामने ही जो है वो शॉप करके बैठा हूँ, नहीं बता देखिए ये मैं आपको बाद में टेस्ट करवाऊंगा, ट्राई करना, ये हमारी जितने सॉसेज जो है ना हर बर्गर में अलग तरीके के सॉस है ठीक है, जो जैसे मिसाल के तौर पर बीफ है तो बीफ के साथ हमने बड़ा ख्याल रखा हुआ है कि हम जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो उसके अंदर बैलेंस हो जाए सॉस, ठीक है ठीक है। अच्छा ये है हमारी चीज स्लाइस, ये चीज स्लाइस है बिल्कुल ठीक है, चीज स्लाइस हमारे हर बर्गर के बन के ऊपर पैटी के ऊपर जो है वो लगती है ठीक है, ठीक है चाहे वो चिकन हो या बीफ, चाहे चिकन हो बीफ हो लेकिन हर किसी पे लगती है ठीक है, जो अगर नहीं बोलता जो नहीं खाता एलर्जी टू मीट या ठीक है उसके लिए नहीं प्रोडक्ट एलर्जी का उसके लिए और मेरे ख्याल में शायद हाँ हो गया ठीक है, सॉफ्ट होनी है सिर्फ चीज सॉफ्ट करनी है ठीक है ठीक है, और इसके बाद हमें इसको उठा के बिल्कुल ठीक है, क्या करेंगे इसके बाद हम उठाएंगे बहुत सारी एलिपिनोस, एलिपिनोस ये उर्दू में क्या कहते हैं? मिर्ची होती है, मिर्ची। अच्छा ये इसका नाम जो ये जेलेपिनो होता है, मगर ये इसको प्रोनाउंस करते हैं एलेपिनो, एलेपिनो जे से लिखा होता है लेकिन ये जे साइलेंट होता है बिल्कुल, ये अंग्रेजी मिर्ची है हाँ ठीक है ठीक है, अगर आप स्पाइसी खाओगे तो मैं एक और रख देता हूँ ठीक है, हम पाकिस्तानी है स्पाइसी खाते हैं बिल्कुल। अच्छा अब फिर उठाएंगे हम अनियन रिंग्स, अनियन और इसको करेंगे हम टॉप अनियन रिंग्स, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा बिल्कुल। अब इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे सॉस, ये वही आपका 1000 आइलैंड सीक्रेट वाला, सीक्रेट वाला ठीक है ठीक है, जबरदस्त हो गया। अच्छा सॉस अगर चाहिए हो तो हम एक्स्ट्रा दे देते हैं, हम बर्गर के अंदर नहीं प्रेफर करते कि हम ज़्यादा सॉस डालें क्योंकि वो थोड़ा सा ना मेसी हो जाता है, नहीं पसंद बहुत ज़्यादा मेसी हो जाए सही हो जाए, और कुछ लोग बोलते हैं यार आप एक्स्ट्रा जो है इसके अंदर सॉस,
अब आपकी ये क्या है? ये हमारी जो बन की टॉप हमने जो बनाया था वो रेडी हो चुका है, रेडी हो चुका है, कलर आ गया, जबरदस्त स्मेल आ रही होगी आपको भी, बहुत अच्छी स्मेल लेंगे, खुशबू कहेंगे। अच्छा ये इसके ऊपर आ गई, बना गया टॉप और थोड़ा सा इसको प्रेस कर देंगे, ठीक है, कि अपनी जो है वो जगह बना ले। अब ये रेडी है, ये हमारा बर्गर रेडी है। ठीक है, फिर जल्दी से हमें इसको सर्व कर दें। बिल्कुल कर देता हूँ, इसको हम थोड़ा सा रोक लेते हैं। ये रहा। अच्छा मुझे बताएं कि आपके रेस्टोरेंट में डाइनिंग वगैरह भी है? हमारे पास डाइनिंग नहीं है, हमारे पास डाइन आउट है। डाइन आउट है, हमारे पास काफी बड़ी जगह है माशाल्लाह। आप यहाँ पे आए हैं, अगर हमारा पिक्चर्स देखना चाहें तो हमारे जो है वो फेसबुक पे पिक्चर्स हैं और हमारे गूगल पे पिक्चर्स हैं जो आप देख सकते हैं। हमारे पास अल्लाह का शुक्र इस वक्त इस इलाके में सबसे बड़ी पार्किंग है, सिक्योर्ड इन्वायरमेंट है, ठीक है, फैमिली इन्वायरमेंट है और प्रॉपर जो है वो डाइन आउट का सिस्टम है, ठीक है, ये नहीं का फुटपाथ पे बिठा रहे हैं हम, प्रॉपर डाइन आउट का सिस्टम। आप एक बार आए और हाँ बिल्कुल वीडियो भी बना के दिखा दें तो कस्टमर को पता भी लगे हम क्या चीज़ बेच रहे हैं और किस तरह बेच रहे हैं। ठीक है, आप हमें अभी सर्व कर दें और हम फिर खा के टेस्ट करके बताएंगे कि ये दिखने में जितना अच्छी लग रहा है वैसा है या नहीं। बिल्कुल इंशाल्लाह होगा। तो भाई हमारा ये पिज्ज़ा बर्गर जो है रेडी है और आप चेक करें, आपने बर्गर तो बहुत खाए होंगे, पिज्ज़ा भी अलग से खा होगा, लेकिन ये नई चीज़ आई है कि पिज्ज़े के साथ बर्गर भी, आपको बर्गर का मज़ा भी मिलेगा और पिज्ज़े का बर्गर मज़ा भी मिलेगा। अब आप ये चेक करें, इसके बीच में अनियन रिंग्स डले हुए हैं और बीच में ज़बरदस्त सा सॉस डला हुआ है और ऊपर ये पिज़्ज़ा बना हुआ है फुल चिपोटले डले हुए हैं। तो अभी हम इसको खाते हैं और ट्राई करके बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। ये पहले हम निकालेंगे इसको और ये बीफ से बना हुआ है, मज़े की बात, इतना बड़ा बर्गर है, खाते हुए बहुत गंदा लगेगा लेकिन बीफ की पैटी हो रही है ना, बहुत जूसी ज़बरदस्त, ऊपर से पिज़्ज़ा का मज़ा अलग आ रहा है और बीच में जो अनियन दिखते हैं ना ये तो कमाल हो गया, बेहतरीन टेस्ट। और अभी हमने जो है ना इसके साथ साथ इनका एक और भी बर्गर मंगवाया, तो अब ये भी ट्राई करते हैं कैसा है। इस तरह के बर्गर तो मतलब ये नॉर्मली होते हैं, जिंगर टाइप का बर्गर जो होता है, बट ये जो है ना ये यूनिक चीज़ है। अब हम ये ट्राई करते हैं, ये भी बहुत बड़ा है, इतने बड़े बड़े बर्गर हैं, इतना बड़ा मुंह नहीं है लेकिन फिर भी ये जो बर्गर है ना ये नॉर्मल टेस्ट है, मतलब आपको हर जगह मिल जाएगा, ये वाला जिंगर वाला मज़ा है इसमें, ठीक है, बट जो ये वाला बर्गर है ना ये तो भाई मेरा बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त, एक तो यूनिक चीज़ है, प्लस मैं बीफ का फ़ैन हूँ तो मुझे बीफ बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसकी लोकेशन है, अगर आप लोगों को भी खाना है तो इसकी लोकेशन है, अगर आपने जो है पैराडाइज बेकरी देखी है, पैराडाइज बेकरी से बिल्कुल पहले बिग पाए के नाम से जो है यहाँ पे वो मार्ट बना हुआ है और आपको गूगल पे लोकेशन आराम से मिल जाएगी, मैं आपको लोकेशन टैग कर दूंगा, आप लोग भी आएँ ट्राई करें और हमें बताएगा ज़रूर कि सीन कैसा है।